नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई बड़े कदम उठाए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग स्कूल को बंद कर दिया गया। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर भी राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है, मगर राजस्थान सरकार के जारी आदेश में राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं है। अब राजस्थान सरकार के राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक शुक्रवार से लगने का फैसला किया गया है, क्योंकि गुरुवार को राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है। सरकार चाहती है कि नेता गुरुवार को रैली और सभा कर लें और जब चुनाव प्रचार का समय खत्म होगा तभी कोरोना की गाइडलाइंस के तहत राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाएगी। गौरतलब है कि विधानसभा उपचुनाव विधायकों की कोरोना से मौत की वजह से ही हो रहे हैं। इस बीच सहाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रतन लाल जाट को कोरोना होने की वजह से जयपुर लाकर भर्ती कराया गया है। वहां के स्थानीय सांसद सुभाष बहाड़िया भी कोरोना संक्रमित से इलाज करवा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने कोरोना की पाबंदियों से राजनीतिक कार्यक्रमों को दूर रखा है। उपचुनाव वाले जिले भीलवाड़ा, राजसमंद और चुरू में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, मगर वहां पर नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और लोग बिना मास्क लगाए और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर मौजूद है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज़ के साथ।